जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज 12 जनवरी है, आज ही के दिन मेरे फादर का बर्थडे भी होता है डिफेंस एस्पिरेंट्स, और संजोग से आज स्वामी विवेकानंद जी का भी बर्थडे होता है। तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि कहीं ना कहीं जब आपकी बर्थडे वाली डेट किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है ना, तो कुछ ट्रेट्स आप उस पर्सनालिटी से ले लेते हैं। तो मैं अपने फादर को हमेशा बोलता था कि कुछ ट्रेट्स आपके स्वामी विवेकानंद जैसे हैं जरूर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। आज ये एक प्रैक्टिकल एंड इमोशनल वीडियो है। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल इसलिए क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। जैसे आमतौर पे जब भी मैं वीडियो बनाता था, एक टीम है मेरी, रिसर्च टीम, कंटेंट राइटर हैं, वो कंटेंट लिख के देते हैं और रिसर्च करके देते हैं। तो आज की वीडियो सीधे स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, एंड अच्छी बात ये है कि ये वीडियो आप सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अब आप लोगों की लाइफ स्टार्ट हो रही है सही मायने में। अब आप लोग एडोलेसेंस एज को क्रॉस करेंगे, 18-19 साल को क्रॉस करेंगे, और अब आप जिंदगी के दूसरे फेज में आएंगे। 18-19 साल तक की जो लाइफ का फेज होता है वो बड़ा एंजॉयमेंट का फेज होता है। अब जो फेज है वो बड़ा प्रैक्टिकल, और अब आप अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो कुछ लेसन हैं जो मैंने अपने फादर से सीखे हैं, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इससे कुछ सीख मिले और इस सीख से आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकें, तो मेरे को अच्छा लगेगा। एक दिन मैं और मेरे फादर बैठे थे, मैंने MBA अपना खत्म करके इलाहाबाद आ गया था, जॉब की थी और कुछ साल जॉब की थी, जॉब करने के बाद वापस इलाहाबाद आ गया था। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैंने BTech किया है, BTech के बाद MBA किया, दोनों गवर्नमेंट कोटा से, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक था तो गवर्नमेंट कोटा से किया है। तो अब जब जॉब कर ली, जॉब करके वापस आया, एक दिन रूम पे बैठा था, यही कुछ 4-5 साल पुरानी बात है। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यहाँ इलाहाबाद में सिविल लाइंस में शिफ्ट हो गया था। पहले हम लोग कटरा में चलाते थे, सिविल लाइंस में शिफ्ट हो गया था। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि अभिनव, तुम्हारे एज की जो तुम्हारे जनरेशन है, जो जिस उम्र में तुम हो, वो लोग जो बिजनेस करते हैं तो वो लोग लाइफ में बहुत एक्सेल करते हैं, क्योंकि वो लोग MBA करके आए हैं, दुनिया देखी है, नए तौर तरीके हैं, नए जनरेशन हो। लेकिन बेटा, सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम लोग जाओगे, बड़े होगे, जैसे जैसे तुम लोग बिजनेस में बड़ा करोगे, जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़ा करोगे, तुम्हारे अंदर एक ईगो डेवलप होगी। इस ईगो को उन्होंने बोला था फॉल्स ईगो है ये। मुझे बात, पहला लेसन जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ और वही कर रहा हूँ। उन्होंने जो जैसे उन्होंने मुझे बोला था, वैसी लाइन बाय लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रकार की फॉल्स ईगो है। तो फॉल्स ईगो सर पे मत चढ़ने देना, जिंदगी भर पोलाइट रहना। तुम देखोगे, अगर तुम जिंदगी भर पोलाइट रहोगे, तुम मीठा किसी से बोलोगे, तो आधे काम तो तुम्हारे यूं ही हो जाएंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहला लेसन जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि अब आप लोग अपने लाइफ में अलग अलग अकेडमीज ज्वाइन करेंगे, अकेडमीज ज्वाइन करके आप लोग वर्दी पहनेंगे, कमीशन अफसर बनेंगे, तो जिंदगी में नो डाउट एन ऑफिसर इज एन ऑफिसर। तो जिंदगी में ये ना हो कि आपकी लैंग्वेज हार्श हो जाए, नहीं, आप लकी हैं, आप किस्मत वाले हैं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, या आपके जो टारगेट्स हैं वो आपने अचीव कर लिए। बहुत लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो पहला रिकमेंडेशन या पहला सजेशन आप सबसे ये रहेगा कि भैया, जिंदगी में पोलाइट रहिए, यू हैव टू बी पोलाइट, बिकॉज जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पोलाइट होना जरूरी है। ये तो था पहला लेसन जो उन्होंने मुझे दिया था और मैंने आप लोगों से शेयर किया। लेसन नंबर दो, अभी कुछ साल भर पहले मेरे फादर फाइटर पायलट थे, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के बाद
वो मेडिकली ग्राउंडेड हुए क्योंकि थोड़ा बीपी वीपी इश्यूज आ गए थे। उसके बाद उन्होंने जीटीओ का कोर्स किया, एफओ सिलेक्शन बोर्ड 4FSB बनारस में थे, फिर 2FSB मैसूर में थे, उसके बाद 18SSB यहाँ इलाहाबाद में थे कुछ टाइम, और यहीं से फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। तो अभी 6 महीने साल भर पहले उन्होंने एक लैंड खरीदी, छोटी, ज्यादा बड़ी लैंड नहीं खरीदी, उन्होंने कहा मुझे खेती करनी है क्योंकि हर चीज का एक्सपीरियंस ले लिया है यार, कमीशनड अफसर हो गए, एक अकेडमी भी खोल ली बच्चों के लिए, अब जरा खेती का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। और मुझे याद है गेहूं कट रहा था तो रात में 2:30 बजे आए थे। 2:30 बजे जब आए तो अगले दिन हम लोगों ने किसान भाई बोलते थे घर में, सब उनका नाम किसान भाई रख दिया था क्योंकि उनको खेती बहुत पसंद थी। तो एक तरफ उनकी वो जिंदगी थी कमीशन अफसर की, एक तरफ उनकी वो जिंदगी थी जहां वो GTO ऑफिसर थे, एक तरफ ये जिंदगी थी जो वो खेती कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई किसान भाई, खाना खाया मैंने, और इतना खाना वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभिनव तुम्हें पता नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है एक किसान को अन्न निकालने में, और डिफेंस एस्पिरेंट्स यकीन मानिए आप, ये मैं दिल से बात बोल रहा हूं कि आज भी हिंदुस्तान में 30-40% ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लग रही है। ये मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं रियलाइजेशन हुआ। मैंने कहा यार चल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके माँ बाप हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे माँ बाप है भाई, लेक्चर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जब वो चले गए तो उस खेत का जिम्मा मैंने लिया, थोड़ी बहुत खेती मैंने सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं मिलता बट जब टाइम मिलता है तो खेती करना पसंद करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टाफ हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। तो जिस कदर मेहनत लगती है ना बेटा एक किसान को, हल जोतने में, हल को खेत को जोतने में, खेत को तैयार करने में, खेत को पूरी तरीके से फर्टाइल करने में, उसके बाद उधर खेती करने में मेहनत करना, सिंचाई करना, गुड़ाई करना, सारी चीजें, उसके बाद जब वो क्रॉप बन के आती है ना तो वो क्रॉप, उसको पैसे के कंपैरिजन में नहीं तोला जा सकता, बिल्कुल नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत सारे आप लोगों की जनरेशन के लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। यकीन मानिए हमारा देश बहुत 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 गरीबी आज भी है इस देश में। मुझे लगता है कि ये लेसन नंबर 2 इसलिए है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, जिनको 2-3 टाइम प्रॉपर खाना नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है, जिनको, मैं क्योंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, बायो मेरा सब्जेक्ट रहा भी है, मुझे पसंद भी है आज तक। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग अब जैसे कि मैंने बोला एडोलसेंस खत्म होकर सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं, कमीशन अफसर बनेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठेंगे, बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करेंगे, तो एक चीज जहन में डाल लीजिएगा कि नहीं, खाना मैं नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं बड़ा किस्मत मार रहा हूं, मैं बड़ा लकी हूं कि मेरे को ये प्रॉपर खाना मिल रहा है। बट कोई लोग ऐसे भी हैं जो वो किस्मत वाले नहीं है, जिनको 3 टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे। तो लेसन नंबर 2, डू नॉट वेस्ट फूड। अब बात करता हूं लेसन नंबर 3 की। मेरे और मेरे फादर में बॉन्डिंग बहुत थी, बहुत थी। हर बेटे हर बाप में बहुत प्यार होता है, बहुत मतलब मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे फादर थे। तो जब अक्सर वो ऑफिस में, हम लोग सेम ऑफिस शेयर करते थे, और अक्सर वो मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग देखते थे, कुछ काम किया छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दूसरा थोड़ा किया फिर तीसरा पकड़ लिया, तीसरा छोड़ा चौथा पकड़ लिया। एक दिन में बहुत काम रहते हैं, ये भी देखो। तो उस दिन रात की वक्त था, 7:30-8 बज रहे थे, उन्होंने मेरे से कहा कि अभिनव बेटा काम उठाओ तो पूरा करो, और अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा काम मत टच करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे में अगर तुम रात में सो रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि चल एक काम उठाया उसको पूरा कर लिया फिर दूसरा काम उठाया।
हम लोगों की एज में ना, हम लोगों की एज मतलब मैं तो आप लोगों से बड़ा ही हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप लोग जो 17-18-19 साल की एज में हो, अक्सर ऐसा होता है कि इंग्लिश पढ़ लें यार, मन नहीं कर रहा, बोर हो गए, चलो मैथ्स उठाते हैं, मैथ्स अरे यार ये सवाल नहीं लग रहा, चलो थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मेरा आप सबसे सजेशन ये रहेगा कि एक चीज को उठाएं पूरा कर लें फिर दूसरा उठाएं, ताकि वही जैसे कि उन्होंने मेरे फादर ने मुझे समझाया था, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कंसिस्टेंसी, वो जो बैक ऑफ द माइंड एक चीज की संतुष्टि होनी चाहिए कि चलो जी कोर्स पूरा मैंने खत्म कर लिया, इंग्लिश का ये चीज उठाई थी पूरी खत्म कर ली, काम ये उठाया था पूरा कर लिया, वरना थोड़ा 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 सब में आप कहीं के नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। इसलिए लेसन नंबर 3, काम उठाओ तो पूरा करो, वरना दूसरा काम मत उठाओ। एक काम चल रहा है चलते रहें, तो हो सकता है लिंगर अराउंड करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाए तभी दूसरा काम पकड़ो। अब लेसन नंबर 4 और आखिरी लेसन, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं डिफेंस एजुकेटर हूं और मैं वही पसंद करता हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि यार अगर तुम्हें कोई दूसरा काम करना हो तो क्या करोगे, मैं बोलता हूं नहीं यार, देयर इज नो ऑप्शन बी फॉर मी, मेरे लिए कोई प्लान बी नहीं है, मेरे लिए यही चीज है, मैं बहुत खुश रहता हूं इसमें। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई अपर पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैज टू डू फॉर द लोअर पार्ट, हर काम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गवर्नर नहीं करेगा। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि 3 years, 4 years, 5 years डाउन द लाइन आप लोग एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी जी रहे होंगे, कमा रहे होंगे, और फौज में तो क्योंकि मैं उस एनवायरमेंट में रहा हूं, मुझे पता है कि वो सैलरी खत्म नहीं होती भाई, आपके पास कैंपस है, आपके पास गाड़ी है, फौज आपका राशन दे रहा है, फौज आपके मेडिकल्स का पूरा खर्चा उठा रहा है, फौज आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पूरा का पूरा दे रहा है, कैंटीन फैसिलिटी, ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं डिफेंस फोर्सेज में। तो जिंदगी में जब आप आगे बढ़े, जिंदगी में जब आप ऊपर उठें, जिंदगी में जब आप अच्छा कमाने लगें, अच्छा करने लगें अपने फील्ड्स में, जरूरी नहीं कि सिर्फ फौज में है। जो वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिविल में होंगे, जो अपने बिजनेसेस कर रहे होंगे, जो जिस भी फील्ड में हो, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारी कंट्री अभी वो कंट्री नहीं है जो 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 बहुत सालों बहुत हजार सालों से आज़ाद घूम रही है। 1947 में आज़ादी मिली है, आज भी डेवलपिंग का टैग है, डेवलप्ड का टैग नहीं है। आज भी ऐसे बहुत नीडी लोग हैं जिनको, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप इस योग्य हो कि आप किसी की मदद कर सकें किसी भी फॉर्म में, तो ज़रूर मदद करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हेल्प काउंट होती होगी। मैं ज़रा आजकल पूजा पाठ में कम भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कर्मा मैटर जरूर करते हैं, ये कर्म है आपके, मेरे माँ बाप के कर्म, उनके माँ बाप के कर्म जनरेशन तक चलते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग, मतलब दिल को खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ ये काम किया है तो यार अच्छा फीलिंग आ रही है, बस ये नहीं कि यार मेरे को इससे पुण्य मिलेगा, मेरे को ये होगा, मेरा NDA में हो जाएगा तो चलो दान करते हैं, चलो किसी भिखारी को खूब पैसे दे देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, नहीं, एंड रिजल्ट मत सोचिए, ये सोचिए कि यार वो ज़रूरतमंद आदमी है और मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ज़रूर करिएगा। ये सब चीज़ें आपको संतुष्टि देती है डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को बना के संतुष्ट हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस वीडियो के द्वारा मैं अपने फादर के लेसन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आने वाले टाइम पे आप लोग अपने बच्चों से शेयर करोगे। इसलिए जनरेशन्स जो फैमिली प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरेशन्स तक फॉलो होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।